बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। और देखिए भाई काला बधाना और पॉइंट देखिए भाई प्यार से रेंटर के खाते में फेरा ग्रेड पे बाबा सीसर चला रेड पे। और देखिए भाई एलडीएम कंपनी भी हमारे बीच में कुछ है भाई लगातार 10 सालों से भाई हर एक खिलाड़ी जिसने अच्छा प्रदर्शन किया सबका मान सम्मान किया है। और भाई 3 दिवसीय खेल मेले में भी मान सम्मान करेगी भाई हर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का। और देखिए भाजी साहब मोखरा टीम पूरी तैयारी के साथ वो बच्चे भाई आशीष हरियाणा पहले से आज मोखरा टीम का हिस्सा है भाई सागवन गांव का जिला बहानी से और चाहे बोलो मोरखी बोलो निजामपुर माजरा की बात हो भाई रानी लागे खेल मेले में लगातार 5 कैच लगाई थी भाई जिस खिलाड़ी बोलो निजामपुर माजरा मोरखी की धरती का बेस्ट कैचर है और मोटरसाइकिल विजेता खिलाड़ी है आज मोखरा टीम का हिस्सा होगा। और अंक रेडर के खाते में भाई पूरी टीम आ गई मोखरा की रहते खिलाड़ी जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे भाई खेल मैदान पर पहुंच चुके हैं इस मैच के तुरंत बाद जो मुकाबला होगा। अच्छा पूरी टीम आई है धनियों में आया धनियों में बिल्कुल सुल्तान भी पहुंच गया भाई सुल्तान मोखरा भी आई है बहुत ही चाहे पिछले सीजन की बात करूं या इस सीजन की बात करूं भाई मोखरा टीम ने लगभग कई टूर्नामेंटों में फाइनल खेलने का काम किया कई जगह पोजीशन लगाने का काम किया है। और आज खेल मैदान पर पहुंचे दो खिलाड़ी की छूट में आशीष सागवन हरियाणा पुलिस और बोलो निजामपुर माजरा को लेकर बाबा शीशल तक और सफला फेरा गया था कपिल सामण कपिल सामण चले हरे रुपये। और देखिए भाई फिर सफल हुए मनदीप आगर था भाई देखिए साइड एक बार कौन सा तार है एक भी बार नहीं क्या यार बड़ी पुट्टी है भाई। हेलो भाई देखिए अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं मोखरा वर्सेस दुलेड़ा उसके बाद जो मैच होगा नरेशपुर वर्सेस शंभर ये टीमें भी तैयार हैं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई अमित मोर्जी जो कि नौरंगाबाद बामला टोल के संचालक हैं वो पहुंचे हैं उनका स्वागत अभिनंदन। और अभिषेक शर्मा जी बजेसरा गांव से हैं मेरे छोटे भाई हैं समाज सेवी उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन है। रतन सिंगल जी और मित्र साहब हमारे बीच है उनका स्वागत अभिनंदन है। और देखिए भाई बाबा शिष्य को गज का प्रयास है खत्ते में चला जाएगा कपिल आ गया खुशी समय का मैच बाकी उसके बाद मोखरा टीम खेल मैदान में पहुंच चुकी है भाई और दुलेड़ा के साथ में अपना मुकाबला होगा। और देखिए रेड फैल में फिर काला हजाना ये साथ में टक्कर खंडा खेड़ी को पॉइंट मिलेगा या फिर समर पुट्टी को वो 30 सेकंड की लड़ाई में हमें तय करेगी पॉइंट रेटर के हिस्से में या फिर समर पुट्टी के हिस्से में चला गया पॉइंट फिर आ गया फिर मनदीप खंडा खेड़ी जिला उषार मेरेपुर वर्सेस समर भाई ये टीमें भी तैयार रहे। और देखिए भाई मनदीप ने अब तक जो इस मैच में रेड लगाई है काबिले तारीफ है भाई और आप बल्ले बल्ले ताले बजाने में इस तरह नहीं होते लेकिन क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा खेल अब तक गाँव का मट्टी नहीं लग रही भाई खिलाड़ी ने बहुत कम वजन है लेकिन साफ सुथरा खेल है भाई मनदीप खंडा खेड़ी का। और फिर अगली रेड है भाई टीम सामने की तरफ से